हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर आज हम स्टडी मेंटोर में रंगला पंजाब बुक में जो इम्पोर्टेंट पंजाब जीके के क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बट अब हम बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे रह गए हैं वो हम उसमें करने जा रहे हैं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पंजाब जी या और भी जो हम स्टडी करते हैं चाहे इंग्लिश एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड आपको जो भी मैं आपको करवाऊँगी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए आपको पता चल जाए ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं फर्स्ट इन पंजाब इसमें जो पंजाब में फर्स्ट है जैसे फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब फर्स्ट गवर्नर ऑफ़ पंजाब इससे रिलेटेड कोई भी फर्स्ट ऑफ पंजाब है जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम करने जा रहे हैं ठीक है इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट सी एम ऑफ पंजाब फर्स्ट सी एम ऑफ पंजाब इज डॉक्टर गोपी चंद फर्स्ट सी एम ऑफ पंजाब के कौन से थे डॉक्टर गोपी चंद भरगवा. और फर्स्ट अकाली सी एम ऑफ पंजाब कौन बने थे जस्टिस गुरुनाम सिंह फर्स्ट अकाली सी एम कौन बने थे जस्टिस गुर नाम सिंह और गवर्नर ऑफ पंजाब फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब इज चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी ठीक है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले की जीके में भी करवा दिए हैं अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करने हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं ठीक है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहाँ मैंने आपको और भी कई क्वेश्चन करवाए हुए हैं ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है कपूर सिंह नवाब कपूर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम जाखड़ वाज फर्स्ट एशियन फर्स्ट एशियन सिलेक्टेड एज चेयरमैन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव फोरम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है बलराम जाखड़ कौन है फर्स्ट एशियन टू बी सिलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन एग्जीक्यूटिव फॉर्म आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन एग्जीक्यूटिव फॉर्म नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको स्टार लगा रही हूँ ठीक है इज अमृता प्रीतम वॉज द फर्स्ट वोमेन टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड अमृता प्रीतम कौन है फर्स्ट वूमेन टू विन साहित्य अकैडमी अकैडमी अवार्ड और बाबा अला सिंह दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाबा अला सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ पटियाला सिटी इन सैवनटीन सिक्सटी थ्री बबा अला सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ पटियाला सिटी इन सैवनटीन सिक्सटी थ्री नेक्स्ट इज ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर वाज द फस्ट सी एम आफ्टर लिंग्विस्टिक रेकोगनाइजेशन पंजाब जब जैसे लिंग्विस्टिक मीन्स जो हरियाणा में जो, से डिवाइड हुआ था ठीक है पंजाब उसमें फर्स्ट सीएम कौन बना था इज़ उसमें इस, उस इस ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर इज़ द फर्स्ट सीएम ठीक है नेक्स्ट इज बाबा खड़क सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ़ एस जी पी सी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाबा खड़क सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ़ एस जी पी सी एस जी बी सी कब स्टार्ट हुई थी इज नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ठीक है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी वन प्रेजिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर फर्स्ट टाइम इन पंजाब सबसे पहले प्रेजिडेंट रूल पंजाब में कब लगा था कब लगा था इज नाइनटीन फिफ्टी वन में सबसे पहले प्रेजिडेंट रूल पंजाब में कब लगा था 1951 फिफ्टी वन में नेक्स्ट है हमारे पास रोपड़ हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू लॉन्च डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम स्कीम ठीक है रोपड़ में रोपड़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम स्कीम लॉन्च हुई है कंट्री में ठीक है नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ पंजाब गवर्नेंस रिफॉर्म कमीशन इज इन इनागरेटिड पंजाब फर्स्ट सेंटर फॉर ई गवर्नेंस एट लांड्रा मोहाली चेयरमैन ऑफ पंजाब गवर्नेंस रिफॉर्म कमीशन इन इनोग्रेटेड पंजाब फर्स्ट सेंटर कहाँ पे बना इस ई गवर्नेंस एट मोहाली लांड्रा में कहाँ पे बना ई गवर्नेंस ऑफिस इज लांड्रा अब नेक्स्ट हमारे पास है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हैज़ अटेन डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द रीजन टू इनरोल स्टूडेंट गुरविंदर सिंह धालीवाल फॉर पी एच डी फ्रॉम कनेडा थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो एक पर्सन गुरविंदर सिंह धालीवाल जिसने पी एच डी करी है कहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में वो कहाँ से बिलोंग करता था कैनेडा में उसने पी एच डी करी है थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी पंजाबी यूनिवर्सिटी जिसने फॉरनर को फॉरनर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएचडी करवाई फर्स्ट इवनिंग कोर्ट ऑफ पंजाब वाज इनोग्रेटेड एट जलंधर फर्स्ट इवनिंग कोर्ट ऑफ पंजाब इनोग्रेटेड एट जलंधर उसके बाद फॉलोड बाय अमृतसर लुधियाना एंड पटियाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड हु कंस्ट्रक्टेड तख्त पटना साहिब तख्त हजूर साहिब किसने कंस्ट्रक्ट किया इस महाराजा रंजीत सिंह दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तख्त पटना साहिब तख्त हजूर साहिब किसको किसने कंस्ट्रक्ट किया इस किसने कंस्ट्रक्ट किया इस महाराजा रणजीत सिंह ठीक है ये मैंने आपको बता दिया तख्त पटना साहिब कहाँ पे है इस पटना बिहार और तख्त हजूर साहिब इज इन महाराष्ट्र ठीक है हजूर साहिब काम पे है महाराष्ट्र ये दोनों को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया महाराजा रंजीत सिंह ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है हु लेट द फाउंडेशन ऑफ हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल ये तो आप सबको पता ही होगा हजरत मियाँ मीर ठीक है नेक्स्ट है पंजाब इज द ओनली स्टेट दैट हैड हैड सेट अप सेपरेट पुलिस स्टेशन फॉर एनआरआई पंजाब इज़ द ओनली स्टेट दैट हैड सेटअप सेपरेट पुलिस स्टेशन फॉर एन आर आई जो पंजाब है वो ओनली स्टेट है सिर्फ स्टेट है जिसने एन आर आई के लिए सेपरेट पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है भगत पूरन सिंह पंजाब बियडिड मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भगत पूरन सिंह जी को पंजाब के बियडिड मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है सुरेंद्र कौर इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल पंजाब सुरेंद्र कौर कौर इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ पंजाब दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड एट पटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड एट पटियाला अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो पंजाब का डाटा हमने पहले भी किया हुआ है उसमें अब जो मैं करवाने जा रही हूँ आपको पंजाब के डाटा में इसमें पंजाब और इंडिया का कंपैरिजन क्या हुआ है हमने ठीक है इसमें इंडिया और पंजाब का कंपैरिजन है इससे आपको इजी हो जाएगा याद करना ठीक है सबसे पहले आ जाता है पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और इंडिया की कैपिटल है न्यू डेली दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में है काफ़ी ईजी पर फिर भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है पूछा जाता है नेक्स्ट इज़ एरिया पंजाब का एरिया कितना है फिफ्टी थाउजेंड थ्री सिक्स टू स्क्र किलोमीटर जो कि इंडिया का वन पॉइंट फाइव फोर परसेंट है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंजाब का एरिया है वो इंडिया के कंपैरिजन कितने परसेंटेज में है तो कितना है इस वन पॉइंट फाइव फोर परसेंट और स्क्यर किलोमीटर के में फिफ्टी थाउजेंड थ्री सिक्सटी टू स्क्र किलोमीटर और इंडिया का एरिया कितना है थर्टी टू एटी सेवन टू सिक्सटी थ्री थर्टी टू एटी सेवन टू सिक्स इससे आपको याद करना अगर आप इस तरह से याद करोगे तो ईजी हो जाएगा ठीक है एरिया अंडर फॉरेस्ट ठीक है कितना एरिया फॉरेस्ट के पंजाब का कितना एरिया जो फॉरेस्ट के अंडर आता है वो कितना है थ्री जीरो फाइव एट स्क्र किलोमीटर जो जो कि टोटल बन जाता है सिक्स परसेंट ठीक है जो कि टोटल का सिक्स परसेंट है थ्री जीरो फाइव एट स्क्र किलोमीटर एरिया जो पंजाब का फॉरेस्ट के अंडर आता है और इंडिया का सिक्स सेवन एट ट्रिपल थ्री सिक्स सेवन एट ट्रिपल थ्री स्क्र किलोमीटर आप इस तरह से याद करना इजी हो जाता है मैं इस तरह से करती थी अगर आपको जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो ठीक है अब परसेंटेज में देखें तो ये ट्वेंटी पॉइंट सिक्स फोर परसेंट है ठीक है ट्वेंटी पॉइंट सिक्स फोर परसेंट अब लैटीट्यूड की बात करें तो पंजाब का लेटिट्यूड कितना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाहे पंजाब का है चाहे इंडिया का है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लो, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे गए हैं पंजाब का कितना है ट्वेंटी नाइन डिग्री थर्टी नॉर्थ टू थर्टी टू डिग्री थर्टी टू नॉर्थ ठीक है और इंडिया में लेटीट्यूड कितना है एट डिग्री फोर नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ ठीक है आपको ये डाटा एज इट इज ऐसे ही याद करना पड़ेगा लोंगिट्यूड में क्या है सेवेंटी थ्री डिग्री फिफ्टी फाइव ईस्ट टू सेवेंटी सिक्स डिग्री फिफ्टी ईस्ट तक ठीक है इंडिया में सिक्सटी एट डिग्री सेवन ईस्ट टू नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव स्ट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाती है पंजाब वाले एग्जाम्स में ये दोनों काफ़ी टाइम पूछे गए हैं लैटीट्यूड लोंगीट्यूड काफ़ी टाइम पूछे गए हैं दोनों भी पूछे गए हैं इकट्ठे और साथ में दोनों ऑप्शन इकट्ठे कर दिए जाते हैं और साथ में जो इंडिया का डाटा है वो भी लिख दिया जाता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएँ तो आपको अच्छे से इसको याद करना है पॉपुलेशन टू के अकॉर्डिंग टू डबल सेवन ज़ीरो फ़ोर टू थ्री सिक्स टू डबल सेवन जीरो फोर टू थ्री सिक्स और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है वन टू वन ज़ीरो वन नाइन थ्री फोर डबल टू ठीक है वन टू वन ज़ीरो वन नाइन थ्री फोर डबल टू ठीक है अगर सीधा डायरेक्ट इस तरह से काउंटिंग में पूछी जाए तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है पॉपुलेशन ऑफ पंजाब की कितनी है एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी पंजाब की है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है इस पंजाब की है फाइव फाइव वन पाँच 551 पर्सन पर स्क्यर किलोमीटर डेंसिटी का मीन्स है हर स्क्र किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं पंजाब में तो कितने रहते हैं 551 हंड्रेड पर स्क्यर किलोमीटर और इंडिया में कितने रहते हैं पर स्क्यर किलोमीटर में इस 382 कितने रहते हैं 382 मेल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की पंजाब की पहले पहले पंजाब की देख लेते हैं मेल पॉपुलेशन कितनी है दैट इज़ वन फोर सिक्स थ्री फोर एट वन नाइन और कितनी परसेंटेज बन जाती है ये फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री जीरो परसेंट फीमेल की पॉपुलेशन वन थ्री जीरो सिक्स नाइन फोर वन सेवन दैट इज फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट ठीक है अब इंडिया की बात करते हैं इंडिया की मेल पॉपुलेशन सिक्सटी टू थ्री 24, सेवन टू फोर टू फोर एट ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा ठीक है मेल पॉपुलेशन सिक्सटी टू थ्री सेवन टू फोर टू फोर एट बट ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम्स में पूछा जाए बट जैसे अगर शिफ्टों में पेपर होता है तो पूछा जा सकता है ठीक है अब फीमेल पॉपुलेशन फिफ्टी एट सिक्सटी फोर सिक्स नाइन वन सेवन फोर ठीक है सेक्स रेशियो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्स रेशियो पंजाब में एट नाइन्टी थ्री है सेक्स रेशियो का मीन्स है पर थाउजेंड के पीछे कितने कितनी फीमेल्स आ जाती हैं पर थाउजेंड के पीछे कितनी फीमेल्स आ जाती हैं तो पंजाब में थाउजेंड के पीछे एट नाइन्टी थ्री एट नाइन्टी थ्री ठीक है और इंडिया में नाइन फोर्टी इंडिया में कितनी फीमेल्स आ जाती हैं थाउजेंड के पीछे इस नाइन फोर्टी लिटरेसी रेट कितना है सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है ओवरऑल पंजाब में लिटरेसी रेट मीन्स पढ़े लिखे लोग कितनी है पंजाब में सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है और इंडिया में सेवेंटी फोर पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट जिसमें कि पंजाब में एटी वन पॉइंट फाइव परसेंट मेल है और सेवेंटी वन पॉइंट थ्री परसेंट फीमेल है ठीक है और इंडिया में जो लिटरेसी रेट पर लिटरेसी रेट मेल का है 82.14 परसेंट और फीमेल का 65.46 परसेंट ठीक है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टाउन सिटीज इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ठीक है अब सबसे पहले नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पंजाब में दैट इज़ ट्वेंटी और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडिया में सिक्स टू सिक्स इंडिया में है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंजाब में कितने हैं ट्वेंटी टू नंबर ऑफ़ टाउन्स पंजाब में वन फोर्टी थ्री नंबर ऑफ सिटीज इज पंजाब में इज़ फोर्टीन अब मोस्ट ये दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मोस्ट पॉपुलर पॉपुलेटेड सिटी जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है वो कौन से शहर हैं पंजाब में जब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वो है लुधियाना और इंडिया में दैट इज़ मुंबई इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है दैट इज़ इन मुंबई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंजाब वाला तो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है ठीक है रिलीजन रिलीजन में बात करें तो पंजाब में हिंदूज सिख सबसे ज़्यादा हैं ठीक है हिंदू हैं थर्टी फोर पॉइंट फोर परसेंट सिख हैं सिक्सटी टू पॉइंट नाइन फाइव परसेंट इज़ मुस्लिम इज़ वन पॉइंट फाइव सेवन क्रिश्चन इज़ वन पॉइंट टू ज़ीरो बुद्धिस्ट इज पॉइंट वन सेवन और जैनिज़म इज़ पॉइंट वन सिक्स परसेंट अब इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है हिंदू पंजाब में सबसे ज़्यादा सिखिज्म है और इंडिया में हिंदू है 80.5 परसेंट इसमें सिख है इज 1.9 परसेंट मुस्लिम 13.4 परसेंट क्रिश्चियन इज 2.3 परसेंट बुद्धिस्ट इज 0.8 परसेंट जैनिज्म इज 0.4 परसेंट ये डाटा आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है पंजाब का तो पूछा गया हुआ है काफी टाइम ठीक है ये अच्छे से आप याद कर लेना अब लैंग्वेजेस कहाँ कौन सी बोली जाती हैं पंजाब में लैंग्वेजेज मोस्टली कौन सी बोली जाती हैं पंजाबी हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू ठीक है लैंग्वेज पंजाब में कौन सी बोली जाती हैं पंजाबी हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू ठीक है और पंजाब में लैंग्वेज बोली जाती है पंजाबी हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू और इंडिया में बोली जाती है हिंदी बंगाली तेलुगु मराठी एंड इंग्लिश अब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन रेशियो की अर्बनाइजेशन में अर्बनाइजेशन मीन्स शहरी वर्गीकरण किस तरह से डिवाइड किया गया है तो पंजाब में अर्बनाइजेशन रेशियो में 29.55 परसेंट लोग हैं और इंडिया में 27.8 परसेंट लोग अर्बनाइजेशन है मींस अर्बन में रहते हैं शहरों में रहते हैं टाइम जोन दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है दैट इज़ आई एस टी यू टी सी प्लस फाइव थर्टी आई एस टी यू टी सी प्लस फाइव थर्टी और इंडिया का भी सेम है ठीक है एवरेज रेनफॉल एवरेज रेनफॉल इज थ्री सेवनटी फाइव पॉइंट टू एम एम जो ये है ये पंजाब की है थ्री सेवनटी फाइव पॉइंट टू एम एम और इंडिया की थ्री टू फाइव एम एम ठीक है ये थ्री सेवनटी फाइव है पंजाब की और इंडिया की थ्री ट्वेंटी फाइव है नेशनल हाईवे लेंथ इज वन सेवन थ्री नाइन और नेशनल हाईवे इंडिया में सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी एट सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी एट दैट इज इन इंडिया और पंजाब में वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी नाइन किलोमीटर अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पंजाब का गवर्नर कौन है ये गलत लिखा हुआ है पंजाब का गवर्नर है वीपी सिंह बडनौर यहां पे लिख देती हूं वी पी बडनौर ठीक है और गवर्नर है पंजाब का वीपी सिंह बडनौर और पंजाब का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद ठीक है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रेसिडेंट है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद एंड गवर्नर ऑफ पंजाब इज वी पी सिंह बडनौर अब हमने हम पी एम और सी एम की बात करते हैं सी एम इज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह आई थिंक आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी वैसे मैं बोल रही हूँ तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं ठीक है अब पी एम ऑफ पंजाब दैट इज पी एम ऑफ इंडिया दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र सिंह मोदी कौन है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र सिंह मोदी लेजिस्लेटर सीट कितनी है यूनिक कैमरल है दैट इज इन पंजाब में कौन सी है यूनिक कैमरल ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि पंजाब में यूनिक कैमरल है या बाई कैमरल है दैट इज़ यूनिक कैमरल और पंजाब में कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटर सीट्स इज वन वन सेवन वन हंड्रेड सेवनटीन पंजाब में है ठीक है और इंडिया में कौन से है बाई कैमरल है इंडिया में बाई कैमरल है पंजाब में यूनिक कैमरल है ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है लोकसभा सीट्स कितनी है इस थर्टीन और इंडिया में पंजाब में लोकसभा सीट्स है थर्टीन और पन, इंडिया में है फाइव फोर्टी थ्री फाइव फोर्टी थ्री राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं सेवन और राज्यसभा में इंडिया में कितनी सीट्स हैं टू फिफ्टी टू पंजाब में सेवन सीट्स हैं राज्यसभा की और राज्यसभा की इंडिया में टू फिफ्टी टू है हाईएस्ट हाई कोर्ट पंजाब में कौन सा है इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाईएस्ट कोर्ट इन पंजाब दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि कहाँ पर है इसका ये भी पूछा जा सकता है कि सिचुएट एट चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली जो हाईएस्ट कोर्ट इंडिया का है वो है सुप्रीम कोर्ट जो कि कहाँ पे है न्यू दिल्ली उसका क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट इज दैट इज़ एन न्यू दिल्ली आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं क्लियर हो गए होंगे आपके कोई डाउट हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि और भी कोई देखना चाहता हो तो वो देख सके और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस आती जाएं जो कि मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको साथ के साथ पता चल जाए थैंक यू